लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामचन्द्र दीनबन्धु दिनेषु Thank you.
श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की। आओ दत्त चित्त होकर हरिनाम पुकारें बहाव और प्यार से सभी लोग। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर Thank you.
मधुर नाम ताराम सीताराम मधुर राम राम कहते रहो जब लगी घट में प्राण दयाल के भनक परे श्री रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की संत समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पर अखिलेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र उनकी ही परम पावनी दिव्य श्री राम कथा किशोरी राधा रानी की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज के परमाशीर्वाद से हम सभी आज पंचम दिवस की बेला में उपस्थित हो रहे हैं। पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कथा के मुख्य आयोजक और जिनका परम आशीर्वाद है इस पूरे आयोजन के ऊपर, पूज्यपाद श्री मौनी जी महाराज, और यहाँ हम सभी को दर्शन देने के लिए पधारे हुए विविध आश्रमों से क्षेत्रों से पूज्य महापुरुष सभी संत चरण, जहाँ आचार्य पूज्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, ऐसी भूमि से भी पधारे हुए पूज्यपाद महाराज जी, और ब्रज क्षेत्र से सभी महापुरुष, यही संतों का परिवार है। जैसे हम गृहस्थियों में शादी के फंक्शन में, जन्मदिन के फंक्शन में सारे रिश्तेदार नातेदार पहुंचते हैं, ऐसे ही जब संतों का कोई आयोजन होता है तो संतों का यही कुटुंब, यही परिवार, अनेकानेक संप्रदायों से, अखाड़ों से, द्वारों से महापुरुष लोग एकत्र होते हैं। और इस आयोजन में स्वयं भगवान नारायण कृपा कर रहे हैं, क्योंकि संत की अपनी ओर से क्या व्यवस्था हो सकती है। संतजन केवल भगवान का भजन करते हैं और करने वाले तो सब ठाकुर होते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। संतों के आयोजन में पूरा का पूरा ध्यान स्वयं परमात्मा ही देते हैं। पूज्य महाराज श्री का संकल्प था ब्रज क्षेत्र में मेरे हाथों
ठाकुर जी विराजमान हों, भगवान श्री रघुनाथ जी पूरे भारतवर्ष में तो कई जगह विद्यमान हैं हमारे राम जी सरकार, लेकिन ब्रज में विराजमान होना ये अपनी आप में अनूठी बात है। जहाँ भगवान कृष्ण की महिमा है वहाँ राम जी भी विराजित तो हो जाएं, ऐसा भाव था मन में। और देखो प्रभु ने कृपा किया, वो घड़ी भी आ गई, भगवान ब्रज में राम जी पधार रहे हैं, प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो हम सभी ब्रजवासियों को लाला से तो प्यार था ही, गोविंद से तो प्यार था ही, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भी यहाँ विराजमान हो रहे हैं, आप सभी कोटवनवासी और आसपास पलवल से, होडल से, गुड़गांव से, दिल्ली से, इधर कोसी से, जहाँ जहाँ से भी भक्त लोग इधर से गुजरेंगे तो यहाँ रघुनाथ जी का दर्शन होगा और हम सभी धन्य धन्य बनेंगे। और देखा जाए तो ये पूरा ब्रज क्षेत्र ही अपने आप में धन्य है। गोपांगनाओं ने गोपी गीत में कहा ना, जयति ते अधिकं जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दैत दृश्यता दिक्षुतावकास त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। जयति ते अधिकं जनमना ब्रजः। हे गोविंद, हमारा ब्रज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, लेकिन जब से आप पधार गए हैं ना, तब जनमनाः ब्रजम अधिकं जयति। आपके यहाँ आने से हमारा ब्रज और सुंदर हो गया है, और प्यारा हो गया है, क्योंकि आपके यहाँ आने से रमा, इंदिरा, लक्ष्मी इत्यादि देवियाँ स्वतः आ गई हैं, हमारी ब्रज भूमि धन्य धन्य हो गई है। तो ब्रज तो और भी सुंदर था ही था, है ही है, लेकिन किसी संत की करुणा हो जाए और संत का आशीर्वाद मिल जाए तो हम सभी और भी धन्य हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रज, चाहे वृंदावन हो, निधि वन हो, तपो वन हो, मयूर वन हो, अथवा तो कोट वन हो, जहां कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने कदम रखे, जहां श्री मुनि जी महाराज ने जीवन पर्यंत भजन किया, तप किया, और जहां वर्तमान पदासीन पूज्यपाद श्री मौनी जी महाराज अपनी साधना से इस भूमि को, इस क्षेत्र को धन्य कर रहे हैं, तो हम सभी तो अपने आप में वैसे भी धन्य हो गए। गंगा के किनारे रहने वाले जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जब कभी गंगा में बाढ़ आती है तो सारे गड्ढे लबालब भर जाते हैं और धन्य हो जाते हैं। संतों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि संतों को स्पर्श करके बहने वाली हवाएं हमें पवित्र करती रहती हैं, धन्य करती रहती हैं। तो आज आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करते हुए कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेरठ से पधारी हुई हमारी माताजी, वहां
मेरठ पब्लिक स्कूल की आप संस्थापिका हैं, कई सारे स्कूलों की आपने स्थापना की है। मेरठ से इतनी दूर से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारी हैं, पंजाब से भी कुछ भक्त लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से दूर दूर से, क्योंकि भगवान कृष्ण की भूमि ऐसी है ना, कर्षतीति कृष्ण, अपनी ओर जो खींच रहा हो, खींचे आकर्षित करे, वो है कृष्ण। इस भूमि का नाम सुनते ही मन में आकर्षण होता है। ऐसी धरा पर बैठकर हम सब भगवान श्री राम की पावन गाथा का आनंद ले रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़े प्यारे प्रसंग का दर्शन किया, भगवान की बाल्य लीला का। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं देना। अपने दासों को, अपने भक्तों को भगवान माधुर्य लीला से ओतप्रोत करते हैं, आनंदित करते हैं, और धीरे 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 शनैः शनैः भगवान बड़े होने लगे और किशोरावस्था में पहुंचे। कुमार हुए भगवान, तब भगवान का उपनयन हुआ, विद्या अध्ययन किए हैं, और फिर धीरे धीरे जब किशोर बने तब विश्वामित्र जी के साथ भगवान चले हैं अपने प्रथम यात्रा पर। भगवान जब धरती पर आते हैं दो दो कारणों से आते हैं, मुख्यतः केंद्र में दो कारण होते हैं, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का परित्राण और असुरों का विनाश। तो ये जो प्रथम यात्रा भगवान राम की रही, इसमें मूल रूप से देखा जाए तो परित्राणाय साधुनाम, विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की सुरक्षा के लिए, संतों के रक्षार्थ भगवान अपने प्रथम यात्रा पर निकले हैं। आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के मन में अभी संशय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दशरथ जी ने मुझे ठग लिया हो, मैंने राम की मांग की तो भरत वाली जोड़ी मुझे दे दी हो, क्योंकि दोनों एक जैसी लगती थी, उधर राम लक्ष्मण उधर भरत शत्रुघ्न, दोनों एक जैसे, एक श्याम एक गौर, एक श्याम एक गौर। तो विश्वामित्र जी के मन में अभी पक्का भरोसा नहीं था कि, क्योंकि जो राजा कह रहा था मैं प्राण दे दूंगा लेकिन राम नहीं दूंगा, वो अचानक पलट गए और तुरंत सौंप दिया, भरोसा न हो रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो लेकर जा भी रहे हैं और भरोसा भी नहीं। और इतने में भगवान के पग की पैजनी छम छम की आवाज सुनकर ताड़का की नींद खुली, सो रही थी गुफा में, बाहर निकली, देखा ये बाबा जी दो राजकुमारों को लेकर आ रहे। ओ लगता है यज्ञ की सुरक्षा के लिए धनुष बाण वालों को लेकर आ रहे हैं, पहले चलो मैं इनको ही खाती हूं। और भयानक रूप लेकर के गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। विश्वामित्र महाराज ने कहा कि राघव यही है ताड़का, निकालो बाण और मारो। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी भार। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी भार। विश्वामित्र महाराज ने कहा कि राघव यही है ताड़का, मारो। अब भगवान को मौका मिला, भगवान ने सोचा कि बाबा जी के सामने जरा लीला करता हूं। भगवान राम ने कहा बाबा ये है ताड़का, नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है महाराज। विश्वामित्र समझ गए कि वो दशरथ जी ने ठग लिया मुझे, ये वो वाली जोड़ी नहीं है जो मैंने ध्यान में देखा था। इधर से राम जी करीब आ गए, उधर से लक्ष्मण जी आ गए, बाबा डर लग रहा है मुझे। अब विश्वामित्र जी ने सोचा मैं बचूं या इनको बचाऊं, और प्रभु लीला कर रहे, हंसी कर रहे हैं प्रभु,
दशरथ जी ने समझ लिया कि ये भगवान नहीं। अब आंख बंद करके विश्वामित्र जी मंत्र बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ताड़का दौड़ी आ रही तो जल्दी जल्दी में मंत्र भी नहीं याद आ रहा, और भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई लीला कर रहे। जब ताड़का बिल्कुल करीब आ गई तब प्रभु ने सोचा कि नहीं, अब ज्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं। तब भगवान ने एक ही बाण सरसंधान किया और ताड़का के ऊपर छोड़ा। एक ही बाण प्राण हरि दीना दीन जान। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को धराशायी कर दिया। विश्वामित्र जी आंख बंद करके खड़े थे, हल्ला गुल्ला शांत हो गया। तो डरते डरते विश्वामित्र जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एकाद को उठा कर ले गई। डरते डरते विश्वामित्र जी ने आंख खोला, तब जो सामने का दृश्य देखा, विश्वामित्र महाराज भाव विभोर हो गए। सामने ताड़का मरी पड़ी थी और रघुनाथ जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अभी भी डाउट था, क्योंकि मार देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान वशिष्ठ जी के यहां धनुर्विद्या सीख कर आए थे, अच्छे वीर पुरुष हैं, एक ही बाण में निशाना लगा दिया होगा। अभी भी ये भरोसा नहीं हुआ कि भगवान ही हैं, लेकिन बाबा तुलसी ने आगे की आधी चौपाई लिखी, दीन जानी ते ही निज पद दीना। ये दृश्य देखकर विश्वामित्र महाराज रो पड़े, क्योंकि मार देना ये आसान है, लेकिन मार कर तार देना ये असंभव है। ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। दीन समझ करके जब प्रभु ने उसको अपना धाम दिया, तब विश्वामित्र महाराज भावाश्रु पूर्ण हो गए, नेत्र सजल हो गए, मन ही मन प्रणाम किया, क्षमा करिएगा प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, यही मेरे प्रभु का स्वभाव है। जो मारने आ रही थी भगवान ने उसको भी दीन समझ लिया। भगवान की इसी स्वभाव को याद करके तो महात्मा लोग रोते रहते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी को उद्धव जी का दर्शन हुआ और भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते करते दोनों रो पड़े। यन मर्त लीलो पैकम स्वयोगा, हे विदुर, हम लोगों ने गोविंद को समझा नहीं था, अब उनके चले जाने के बाद अब उनकी लीलाओं को स्मरण करते करते आंख में अश्रु आते हैं विदुर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सजा पाय्यप्य साध्वी, लेभे गतिं धाम त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। वो बक की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर आई थी गोविंद को मारने के लिए, लेकिन उस मारने वाली राक्षसी को भी मेरे गोविंद ने मां समझ लिया कि भले ही मारने आई है लेकिन स्तनपान कराया, मां की भूमिका निभाई। और जो गति भगवान को अपनी मैया यशोदा को देनी थी, भगवान ने वही गति पहले पूतना को दे डाली। कौन होगा ऐसा दयालु, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम।
मारने वाली को भी जो दीन समझ ले, ऐसा दयालु कौन होगा। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ को बाबा तुलसी प्रणाम करते हैं। तू दयालु दीन हो, मेरे प्रभु को दीन बड़े पसंद है, बड़े प्रिय है। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी जाओ तो अकड़ में मत जाओ, दीन बनकर जाओ। बाबा तुलसी ने अपनी कविता में गाया, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ठाकुर बहुत दयालु है। अकारण करुणा करने वाला संसार में कोई परमात्मा के सिवा नहीं हो सकता। अकारण जो करुणा करे, हम लोग किसी को कुछ हेल्प करते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो बदले में कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई हेतु होता है। लेकिन देखो मेरे प्रभु को, दिन रात जो उसको गालियां देता रहता है, भगवान उसको भी सूर्य की रोशनी देते हैं, उसके खेतों में भी बारिश होती है, उसको भी श्वास लेने के लिए वायु की व्यवस्था करते हैं। कौन होगा ऐसा दया? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, प्रसिद्ध पा पात की तू पाप कुंज भारी, ओ प्रसिद्ध पाप तू पाप कुंज भारी, तू दयालु दीन। इसलिए संतजन केवल ठाकुर के भरोसे घरवार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, दुनियादारी को छोड़ देते हैं। क्यों? उन्हें पता है हम सब का पिता, हम सब का बाप बैठा है हमारे सिर पर। दीन बनकर जाओ, ठाकुर बहुत प्रेम देते हैं। ऐसी कथा है कि एक आश्रम में अन्नक्षेत्र चल रहा था। एक संत ने ऐसा नियम बनाया, कोई भी आए भूखा भगवान की एक माला जप ले उसको रोटी मिल जाती थी। बड़ा सुंदर आश्रम की व्यवस्था चल रही थी। तो एक दिन बहुत एक नास्तिक आदमी आश्रम में आया और महात्मा को आकर कहने लगा कि बाबा भूख लगी है, रोटी मिलेगी? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि हां पुत्र, जरूर मिलेगी, ये ठाकुर का नक्षत्र है, कोई भी भूखा है उसको मिलती है। लेकिन आज बनाने वाला रसोईया है नहीं, एक काम करो, मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए, तुम बैठो, गरम गरम रोटियां तुम्हारे लिए बनाता हूं।
और हाँ, जब तक मैं रोटियां बनाऊं बैठे क्या करोगे, एक माला ही जप लो भगवान के नाम की। उस नास्तिक ने कहा, बाबा क्षमा करना, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, रोटी खिलानी हो तो बताओ। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाली बैठे हो बेटे, करोगे क्या, एक एक माला जप लो। उसने कहा, न तो मैं माला जपता हूं और न मैं जपूंगा और न मैं माला रखता हूं। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, माला मैं दे देता हूं, एक माला जप लो। उस आदमी ने कहा, बाबा खिलाना हो तो बताओ वरना मैं जाऊं, मैं माला वाला जपने वाला नहीं हूं। बार बार महात्मा जी कहते रहे और वो आदमी मना करता रहा। तब महात्मा ने कहा, भैया क्षमा करना, जो भगवान का नाम लेने में भी हिचकिचा रहा हो, मैं उसको रोटी कैसे खिला दूं, क्षमा करना, फिर कहीं और देखो। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। चला गया। शाम को महात्मा जी ने जब ठाकुर का पट खोला तो आज भगवान थोड़े गुस्से में लग रहे थे, नाराज। ये जो भाव से भगवान का भजन करते हैं ना, उनको अनुभव होता है कि आज ठाकुर प्रसन्न हैं, आज ठाकुर थोड़े रुष्ट हैं। ये भाव का जगत है प्यारे। जितना अधिक भाव होगा उतना ज्यादा आप प्रभु को महसूस कर पाओगे। महात्मा जी ने देखा कि ठाकुर आज नाराज लग रहे हैं, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्या मुझसे कोई भूल हो गई, क्या मैंने कोई गलती कर दी, प्रभु आप गुस्से में लग रहे हैं। तब भगवान के भीतर से आवाज आई, बाबा आज अपने आश्रम से एक आदमी भूखा चला गया। महात्मा जी ने कहा कि हां प्रभु, आपको तो पता है मैंने उसको कितनी प्रार्थना की, एक माला जप ले, लेकिन वो जपा नहीं, और प्रभु जो आपका नाम भी न ले पाए, मैं उसको रोटी कैसे दे दूं। तब भगवान ने कहा, बाबा तुम्हें आज पता चला ना कि वो मेरा नाम नहीं लेता। अरे मुझे 30 साल से पता है कि वो मेरा नाम नहीं लेता, मुझे गालियां देता है, फिर भी मैं उसको भोजन की व्यवस्था करता आ रहा हूं, फिर भी मैं उसको सूर्य चंद्र की रोशनी देता आ रहा हूं। यह है मेरे ठाकुर की करुणा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, कोई कारण नहीं, अनायास करुणा करते हैं प्रभु। दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, दयालु दीन। सब गाओ ना प्यार से। तू दानी हो, भिखारी। आप सभी ब्रजवासी हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। जब भी गाने की बारी आए प्रेम से गुनगुनाओ, गाओ। गोपांगनाओं ने उसे गाया है और गाते गाते गोविंद को पा लिया। कई गीत गाया है गोपांगनाओं ने। हम सभी ब्रजवासी मानस की चौपाइयों को, बाबा तुलसी के पदों को भाव से गाएं, और जितने अधिक भाव से आप गाओगे उतने करीब गोविंद के पहुंचो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, दयालु अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, नाथ
अनाथ तू अनाथ को अनाथ को नमो ओ प्रसिद्ध पात की हो प्रसिद्ध पात की तू पाप अनाथों का नाथ केवल और केवल परमात्मा है। जब संत लोग घर बार छोड़कर निकल देते हैं उनकी शरण में, तो केवल और केवल सिर पर हाथ रखने वाला वही परमात्मा ही तो होता है। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई संगति नहीं। ठाकुर के भरोसे महात्मा लोग कहां कहां घूमते रहते हैं। कभी हिमालय की वादियों में, कभी पर्वत श्रृंखलाओं पर, कभी वनों में जंगलों में घूमते रहते हैं महात्मा लोग। पता है मेरे सिर पर परमपिता का हाथ है। तू दयालु दी तू भगवान को दीन बहुत प्रिय है। काको नाम पतित पावन जग कहीं अति दीन प्यारे। दीनहीन जनों से कौन प्यार करता है। आजकल दुनिया हमारे वेशभूषा को देखती है, हमारे स्टेटस को देखती है, हमारे रहन सहन को देखती है। नंग धड़ंग से प्यार करने वाला तो केवल परमात्मा ही है। कैसे भी चले जाओ दीन को बहुत प्यार करता है। इसलिए तो हमारे ब्रज के एक बड़े महान कवि बिंदु जी कहते हैं, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे गोविंद, एक संसार में तुम ही तो हो जिसको दीन प्यारे। दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने दीन समझकर मारने वाली को भी भगवान ने दीन मान लिया, अपना धाम दिया। और विश्वामित्र महाराज अब भाव मग्न हुए, मुस्कुराने लगे कि वाह प्रभु, अपनी लीला में मुझे भी फंसा लिया। क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान न पाया था। और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अपने आश्रम पर आते हैं। लेकिन यहां आश्रम पर आकर विश्वामित्र जी ने सोचा कि जिसको पाने के लिए यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, वह तो मुझे मिल ही गए, तो अब भला मुझे यज्ञ करने की क्या आवश्यकता, अब तो वो हमारे साथ ही हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये महात्मा जी की तो बुद्धि बदल गई। तब भगवान ने आकर कहा, दूसरे दिन प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। बाबा, आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं आप संत महापुरुष हैं, आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, आपके तो हर कदम ही यज्ञ के समान होते हैं। लेकिन महाराज, आप संत हैं, दूसरों की भलाई के लिए, जगत के कल्याणार्थ आपको यज्ञ करना ही चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो संत बिटप सरिता गिरी धरणी, पर हित है तो सबने के करने। साधु किसके लिए करते हैं भैया, अपने लिए
नहीं नहीं अपने लिए तो करने की आवश्यकता ही नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब अजगर को भी भगवान खिला देते हैं, चिड़िया कहीं जॉब करने नहीं जाती, भगवान उसके भी परिवार का पालन कर देते हैं, तो क्या साधु को दो रोटी नहीं मिलेगी? साधु के कोई भी कार्य में केवल और केवल परमार्थ होता है, परहित होता है। अब इतना बड़ा आयोजन देखो यहां पूज्य महाराज श्री ने, मौनी जी महाराज ने किया, आप सभी के आनंद के लिए ही तो किया ना। अब उनको अकेले ही कथा सुननी होती तो कहीं भी भारतवर्ष में मेरी कथा होती, कहीं भी आकर के सुन लेते कि बापू हम तो कथा सुनने आए हैं। लेकिन नहीं, जिस कोटवन में रहते हुए उन्होंने भोजन प्राप्त किया, ठाकुर की प्रसादी पाई, उनको लगा कि कोटवन वासियों के ऊपर भी ठाकुर की कृपा होनी चाहिए, इसलिए इतना बड़ा आयोजन आप लोगों के लिए किया। साधु के हर कार्य में परमार्थ होता है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा